वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं आप लोग का जो सकता है आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का कॉमर्स स्ट्रीम का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 9th जो फाइनल अकाउंट आप लोग का है उसका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 9th है, लेक्चर नंबर 2 है। मैंने आपको कल के दिन बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती है और बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप देखे होंगे। तो आज मैं एक बेसिक लेक्चर और इसलिए रखा हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट आप लोग जब आगे सम सॉल्व करोगे तो उसमें आपको एडजस्टमेंट आता है कि देखो आपको ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दो चीज़ दिया रहता है। तो क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट होता है और एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है। ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट सब लोग सब कर लेते हैं कि हाँ ये अकाउंट मतलब एक पर्टिकुलर है तो वो ट्रेडिंग में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, वो सबको आता है। बट एडजस्टमेंट में क्या होता है ना, बहुत लोग अटक जाते हैं। एडजस्टमेंट उनको समझ में नहीं आता कि एडजस्टमेंट क्या होगा, कैसे होगा। तो आज हम लोग एडजस्टमेंट के ऊपर बात करेंगे और उसके जनरल एंट्री भी देखेंगे। और एक हिडन एडजस्टमेंट होता है तो हम लोग हिडन एडजस्टमेंट को भी देखेंगे। हिडन एडजस्टमेंट जो रहेगा आपको ट्रायल बैलेंस में ही दिया रहेगा। तो कैसे है चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट आपको पेज नंबर 283 आपके टेक्स्ट बुक का ये पेज है, कहीं और से बाहर का नहीं है। बट लेकिन ये पेज लेने के बाद भी बहुत लोग इसे देखते नहीं, इग्नोर करके जाते हैं। तो हम लोग समझते हैं एक चीज़ों को। क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया था। देखो आपको एडजस्टमेंट में क्या रहेगा ना, क्लोजिंग स्टॉक के साथ साथ उसी में लिखा रहेगा मार्केट। तो आपको क्या करना है, जो सबसे कम वाला वैल्यू रहेगा उसी को आपको क्लोजिंग स्टॉक में कंसाइडर करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक का जनरल क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट हो गया टू ट्रेडिंग अकाउंट में, परफेक्ट। तो ये हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट के देखो फर्स्ट इफेक्ट इधर होता है क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, एक इधर किधर जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मैं कल भी बताया था। बट देखो एक क्रेडिट साइड में ही क्यों जा रहा है, इसका भी एक रीज़न है। देखो क्यों, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट है टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप लोग अगर लेजर सॉल्व किए होंगे तो उसमें क्या होता है, आपने ट्रेडिंग अकाउंट लिया तो आप यहाँ पर आप ऊपर ट्रेडिंग लिखे बट इसका उल्टा पकड़ोगे। तो ये हम लोग क्रेडिट है तो डेबिट रहेगा, क्या है क्लोजिंग स्टॉक, तो आप ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। अगर आप लोग लेजर अच्छे से किए होंगे तो इस चीज़ समझ गए होंगे जो मैं बताया। बट इसका इफेक्ट एक और होता है क्योंकि एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है। तो एक इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी आपका एक प्रकार का असेट्स है। क्लोजिंग स्टॉक भी क्या है, असेट्स है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक भी क्या होता है, असेट्स होता है। ये बात याद रखना, आपको सिंगल एंट्री चैप्टर में बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, सेकंड एडजस्टमेंट हम लोग देखते हैं क्या, या डेप्रिसिएशन। देखो समझो डेप्रिसिएशन क्या है, सपोज आपके पास कोई असेट्स है, असेट्स में मशीनरी है। तो अगर आपने सपोज छोड़ो आपके पास एक कार है, यस हाँ एक कार है, आपने इस साल कार 10 लाख रुपए खरीद के लेके आए, तो क्या आप उसे एक साल बाद बेचने जाओगे तो क्या उसका 10 लाख रुपया कीमत मिलेगा, नहीं भाई। 10 लाख की कार है तो 8.5 लाख मिले, 9 लाख रुपया मिले, 8 लाख से 1,50,000 इस तरीके से आपको मिलेगा। तो आपका जो 10 लाख है, सपोज आपकी कार 8 लाख में सेल हो रही है, तो आपका जो 10-8 जो आपका जो 2 लाख रुपीज़ है वो आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया, मतलब आपका बैड डेप्ट हो गया, आपका डेप्ट हो गया। तो उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन, उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो इसका हम लोग जर्नल एंट्री देख लेते हैं, वैसे भी आप लोग उसको चैप्टर में 7 में सॉल्व किए होंगे बट फिर भी देख लेते हैं। क्या डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, तो इसका पहला इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में वही जाएगा आपका केवल डेप्रिसिएट वाला वैल्यू जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि अभी जैसे आपको ट्रायल बैलेंस पे फॉर एग्जांपल मशीनरी दिया है 1 लाख रुपीज, तो उन लोग क्या करते हैं उसी को प्रॉफिट एंड लॉस में ला के लिख देते हैं डेबिट साइड में 2 मशीनरी 1 लाख। ऐसा नहीं करना है, आपको पहले उसका डेप्रिसिएशन निकालो, फिर जो डेप्रिसिएशन अगर सपोज उसका 10% है तो 1 लाख का 10% होता है 10,000। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो टू डेप्रिसिएशन मशीनरी 10,000 किधर डेबिट में। और इसका एक इफेक्ट किधर होता है, बैलेंस शीट के असेट साइड में, उसका जर्नल एंट्री बताया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये दोनों जर्नल एंट्री देख लो। इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट के असेट साइड में। असेट्स में से लेस होता है डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस में आकर डेप्रिसिएशन दिख जाता है। ओके, थर्ड देखते हैं आउटस्टैंडिंग और अनपेड एक्सपेंस। आपको ऐसा ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट में बहुत सारे मिलेंगे, आउटस्टैंडिंग जैसे सपोज आपको मिलेगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी।
इसका जर्नल एंट्री क्या होता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, क्या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। ये इसका भी दो इफेक्ट होता है, अगर इसका इफेक्ट इसके कंडीशन के ऊपर डिपेंड, कैसे, इसका एक इफेक्ट फिक्स है कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आता है, क्यों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या तो अनपेड, अगर आपका खर्चा है बट आपने अभी पे नहीं किया, सपोज आप किसी घर में रहते हो, आपका एक महीने का घर का भाड़ा आपका 2,000 है, तो आपने क्या किया, इस महीने केवल 1,500 रुपया दिया, बोले भाई 500 रुपया तो अगले महीने मेरे से ले लेना, बट वो 500 रुपया अभी भी आपके ऊपर क्या लाइबिलिटी है, कर्जा ही है, आपको पे करना ही है अगले महीने, नेक्स्ट मंथ आपको पे करना है, तो आप क्या करोगे, लाइबिलिटी में जाके लिखोगे आउटस्टैंडिंग रेंट 500 रुपीज़, सॉरी, तो वहाँ पर 500 लिखोगे, तो इसका वहाँ पर एक हुआ और एक इफेक्ट और जाएगा, किधर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाए या जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, इसमें कंडीशन होते हैं, सपोज कैसे, अगर आपका वेजेस के ऊपर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है तो तब तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, अगर आपका सैलरी पे दिया है, ऑफिस रेंट पे दिया है, और सपोज ऑफिस इक्विपमेंट नहीं, ऑफिस इक्विपमेंट तो एसेट्स है वो उधर नहीं, ऐसे मतलब बहुत सारे, जैसे तो आपको सैलरी एक्सपेंस पे आपको दिया है, तो ऐसे जितने भी इधर जो आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में उसमें से कुछ दिया है तो ही आपका वो ऐड होगा, परफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में। पढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, प्रीपेड एक्सपेंस का क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब आपका आपका खर्चा होगा बट पहले ही आपने कर दिया, सपोज अभी फिर से हम लोग रूम वाला एग्जांपल ले लेते हैं, आपको पता है कि आपका एक महीने का रूम का भाड़ा 2,000, तो आपने क्या किया ना, अगले महीने का जो आपका भाड़ा जो 2,000 है उसको आपने इसी महीने में उसको पे कर दिया, बोला ले भाई तू मेरा 2,000 रुपये एडवांस में रख ले, अगले महीने तू मेरे से मांगना मत, आपके लिए वो एक्सपेंस है, खर्चा है, बट आपने पहले ही दे दिया समय से पहले, तो क्या हो गया, प्रीपेड, प्रीपेड मतलब पहले ही आपने पे कर दिया, उसी को मैं प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं, तो क्या, तो आपके लिए क्या हुआ, असेट्स हो गया, क्या हो गया, असेट्स हो गया, तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट डेबिट साइड में जाके लेस होगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाके लेस होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सपोज वेजेस दिया, वेजेस में प्रीपेड एक्सपेंस लिखा है 500, तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है लेस और चला जाता है असेट्स मतलब बैलेंस शीट के असेट साइड में, अगर आपको ऑफिस रेंट पे दिया है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में होगा, फिर बैलेंस शीट के असेट साइड में जाके दिखा, ओके, अभी उतना नहीं समझ आएगा, जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक एक करके तो और अच्छे से आएगा, और भी कुछ सम एडजस्टमेंट बचे हैं तो चलो उसको भी देख लेते हैं। फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या, एक्यूरेट इनकम या तो आउटस्टैंडिंग इनकम, ये भी आपके लिए असेट्स है, इसका जनरल एंट्री देखो क्या, एक्यूरेट इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, ओके, एक्यूरेट इनकम मतलब क्या, आपको फ्यूचर में पैसा मिलेगा, सपोज आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद के रख लिया, आज मैं शेयर ही ले ऐसे एग्जांपल के तौर पर था, अगर शेयर आपने खरीद लिया तो क्या आप शेयर खरीद लिए तो आपके लिए एसेट्स हो गया, भाई आपने इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट हम लोग का एसेट्स होता है, आपको कंपनी क्या खरीदेगी ना, आपको 5 साल बाद पैसा देगी, बोलेगी ले भाई तूने बहुत अच्छा किया, मेरी कंपनी बहुत बहुत फायदे में चली गई, तो ले तू भी ले 1,000 रुपये, तू भी रख, तो क्या हुआ आउटस्टैंडिंग इनकम, आपको भविष्य में पैसा मिलेगा, बट मिलेगा इतना फिक्स है, मतलब मिलेगा आउटस्टैंडिंग इनकम है, और पैसा डूबेगा नहीं बट मिलेगा, तो उसका क्या होता है, ये हम लोग का जाता है प्रॉफिट एंड, इसका पहला इफेक्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्यों, फ्यूचर में पैसा मिलेगा तो भाई मेरे लिए फायदा है, तो मैं इनकम है तो मैं क्या इसमें नॉर्मल अकाउंट करूँ क्या, क्रेडिट और इनकम एंड गेन तो मैं वहाँ पर लिखूंगा, फिर ये किधर जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सिक्स, प्री रिसीव्ड इनकम, ये आपके लिए लाइबिलिटी है, कैसे, इसका जनरल एंट्री देख लेते हैं, इनकम अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड इनकम अकाउंट, ये आपके लिए लाइबिलिटी क्यों है, सपोज आपका कोई दुकान है, आपका स्टेशनरी का दुकान है, ठीक, अब कोई आया जरूर करवाने के लिए, तो उसने क्या किया ना, आपको 500 रुपया दे दिया, बोला भाई एक काम कर, तो मेरा 500 रुपया रख, मैं शाम को आके अपना झरोस खरवा के जाऊंगा, तो आप बोले ठीक है, आप पैसा तो रख लिए, तो आपने क्या उसका झरोस करके दिया क्या, नहीं ना, आप शाम को झरोस करके दोगे, बट आप सुबह ही उसका पैसा लेके रख लिए, तो आपके लिए एक प्रकार से कर्ज ही है, लाइबिलिटी आपके लिए है, अगर अभी उसने आपको सुबह 500 रुपया दे के गया, अब क्या पता दोपहर को आके आपको बोले भाई सुन मुझे झरोस करवाना है, जो मैं तेरे को सुबह 500 दिया तो मेरा लौटा दे, अब मैं अपना कहीं और करवा लूंगा, तब तो जो पैसा आपके पास से जा भी सकता है, तो प्री रिसीव्ड इनकम है, तो क्या होता है लाइबिलिटी, कहाँ भी अगर एडजस्टमेंट में आपको कहीं भी प्री रिसीव्ड इनकम दिखे तो चुपचाप उसको लाइबिलिटी में ले लिख दो,
चुपचाप उसको लाइब्रेरी में लिखो, लिख देना, सोचना मत। तो ये इसकी एक इफेक्ट कहाँ पे हो गया, लाइबिलिटी साइड में, और एक इफेक्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा उसके क्रेडिट साइड में, और लेस होता है। ओके, कुछ भी पर्टिकुलर दिया रहेगा वहाँ से लेस होगा, आपको एडजस्टमेंट वहाँ पे एकदम ब्रीफ में दिया रहेगा। सेवन्थ होता है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट का मैंने कल फार्मूला भी बताया था, क्या होता है, टू बैड डेप्ट एड न्यू बैड डेप्ट एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। ओके, इसे याद रखना कि इसकी पहले जनरल एंट्री क्या होती है, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, एक किधर जाता है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। आप लोग कल देखे होंगे कि हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओल्ड बैड डेप्ट एड न्यू आरडीडी, नहीं एड न्यू बैड डेप्ट एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। तो क्या इधर भी तो दिया है न्यू आरडीडी प्लस बैड डेप्ट, मतलब न्यू बैड डेप्ट है, और ये निकाला कैसे जाता है न्यू न्यू आरडीडी, आपको क्या करना है, असेट्स में जाना है, डेटर में जाना है। देखो इधर सेकंड वही दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। तो आप क्या करोगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाओगे, डेटर में से पहले लेस करोगे न्यू बैड डेट, फिर जो आपको वैल्यू मिलेगा उसके ऊपर आप न्यू आरडीडी का आप जो भी परसेंटेज, 2% 3% जो भी आपको दिया रहेगा वो निकालने के बाद आप वो आपका होगा लेस न्यू आरडीडी। ओके, तो इसका दो इफेक्ट कहाँ पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और सेकंड कहाँ होता है, बैलेंस शीट के असेट साइड में। ओके, अब देखते हैं एट वाला क्या दिया, आरईडी रिजर्व फॉर डाउटफुल बैड डेट। आपको शक है कि मेरा पैसा डूबने वाला है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी को सम टाइम कोई बोला है भाई मैं मुझे बहुत ज़रूरत है 100 रुपया दे दो, मैं तुम्हें मैं लौटा दूंगा 10 तारीख को। आपने देने का तो दे दिया, क्या सोचे 10 तारीख को मिलेगा, बट 10 तारीख तो निकल गया भाई साहब, वो उनको याद ही नहीं है कि मुझे 100 रुपया किसी को देना भी है। 25 तारीख आ गया, 26 तारीख आ गया, अगले महीने का 10 आ गया, अब आपको डाउट हो रहा है कि अब लगता है मेरा पैसा डूब जाएगा, अब मैं क्या करूंगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल बैड डेब्ट। यहाँ पर खाली टेक्निकल वर्ड में दिया गया रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। आपको अब ऐसा शक हो रहा है कि मेरा पैसा डूब जाएगा, तो हम लोग को जो पैसा डूब जाता है उसी को तो हम लोग कहते हैं बैड डेब्ट, खत्म कहानी। इसका जो जनरल एंट्री क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट। तो कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट होता है, पहला इफेक्ट इसका होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट, सेकंड इफेक्ट इसका होता है बैलेंस शीट के असेट साइड में। ओके, नाइन्थ वाला देखते हैं क्या, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। पहले मतलब समझो डेटर मतलब क्या होता है, डेटर मतलब ये होता है कि आपको सपोज आपका दुकान है, ओके आपका कोई एक किराने का दुकान है, तो आपसे बहुत लोग क्या करते हैं, उधारी से आपसे सामान खरीदते, बोलते देख भाई मेरा 10 तारीख को 12 तारीख को जब सैलरी होगा मैं तेरे को पेमेंट ला के दे देगा। तो आप बोलते हो ठीक है भाई लेके जाओ आप ला के मुझे दे देना, बट आप उसको सामने वाले को सामान दे दिए भाई 50,000 रुपये का, आपको ये भरोसा है कि मुझे 12 तारीख को पैसा मिलेगा, बट अभी आया नहीं है, आएगा इन फ्यूचर, तो उसी को हम लोग डेटर कहते हैं। वो किधर जाता है आप लोग के लिए, आपको पता है कि मुझे सामने वाला 12 तारीख को 50,000 रुपया देगा, तो आपके लिए क्या असेट्स है ना, तो डेटर किधर जाएगा, असेट्स में कल देखे थे। तो ये कैसे होता है, अभी अगर सपोज डेटर के आपको 50,000 रुपया लेना है बट वो दे नहीं रहा है, तो दे नहीं रहा है, तो आप बोलोगे एक काम कर भाई, आप गए उसके घर पे बोले एक काम करो मैं तुमको 10% डिस्काउंट दे देता हूँ बट तुम मेरा पैसा लौटा दो। ओके, तो आप 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000 रुपये, तो 50 में से 5,000 का कितना बचा, 45,000 रुपये, 45,000 रुपये बचा। तो आप क्या करेगा, 45,000 रुपये आप उससे ले लोगे, बट आपका 5,000 रुपये क्या होगा, नुकसान तो हुआ ना, आपने उसको डिस्काउंट दे दिया कि भाई कम से कम कुछ तो निकल जाए मेरा, वही जो डिस्काउंट हुआ हुआ जो अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में है, क्यों आपका वो घाटा हो गया। तो इसका इफेक्ट समझो कहाँ पे जाता है, पहला इफेक्ट इसका होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, सेकंड इफेक्ट इसका होता है कहाँ पे, बैलेंस शीट के असेट साइड में, और वहाँ से जाके जो डिस्काउंट और डेटर है उस असेट में से डेटर में से होता है लेस। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। नेक्स्ट एंट्री क्या क्या दिया है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। इसका देख लो जनरल एंट्री, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझो कैसे। ओके, समझते, अभी क्रेडिटर मतलब क्या, आपको पैसा किसी को देना है, अभी आपको किसी को पैसा देना है 1,00,000 रुपये, आपने किसी से कर्जा लिया है, कर्जा का मतलब आपने किसी दुकान से सामान लिया है, आपको 1,00,000 रुपये उसको पे करना है, बट आप पैसा पे नहीं कर रहे हो, आप भी महान आत्मा बोलते हो मैं काय को पे करूँगा, पहले जिसको पैसा दे मुझे देना उसको पहले तंग हो जाने दो, तो दुकान वाला एकदम तंग हो जाएगा, बोलेगा भाई एक काम कर तू मुझे 1,00,000 नहीं तू मुझे 90,000 ही दे दे, बट आज ही दे दे दे। तो उसने क्या किया, 10,000 रुपये कम
कर दिया, आपको डिस्काउंट दे दिया, तो आपके लिए फ़ायदा है ना। जहाँ आपको एक 1 लाख रुपया था देना, अब आपको 90 हज़ार ही देना है, तो 10 हज़ार का फ़ायदा हुआ ना। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा हुआ तो किधर जाएगा ये लाइबिलिटी में। इसका पहला इफेक्ट कहाँ पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्यों आपको इनकम है भाई 10 हज़ार रुपये का, आपको क्या फ़ायदा हुआ था इनकम है। और सेकंड इसका इफेक्ट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, सेंडरी क्रेडिटर में से लेस होता है। क्यों लेस होता है, क्योंकि भाई आपको जो फ़ायदा हो रहा है, तो आप उसको काट के जो फाइनल वैल्यू बचेगा उतना ही उसको लौट उठाओगे, इसलिए होता है इधर लेस। नेक्स्ट इसका देखते हैं क्या 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 दिया है। गुड्स टेकन बाय प्रोपर्टी या प्रोपाइटर फॉर पर्सनल यूज। अब आपका बिजनेस है, आपका सपोज आपका बिस्किट की कंपनी है, ओके। अभी बिस्किट की कंपनी, आप बिस्किट बनाते हो, आप बेचते हो। अब क्या हो गया, इन शॉर्ट आप बोले यार थोड़ा मैं दो दो चार पैकेट बिस्किट अपने घर पे भी लेके चलता हूँ, मैं भी खाऊंगा अपने घर पे। तो आप अपने कंपनी से 5-6 पैकेट बिस्किट तो लेके चले गए, बट वो बिस्किट बनाने में भाई पैसा लगा है। तो क्या होता है, अगर आप अपने कंपनी से कुछ भी चीज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके आओगे, तो उसी को हम लोग ड्रॉइंग कहते हैं। हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट में इसका डेफिनेशन भी किए थे, याद है हम लोग वहाँ पर किए थे। तो आपने पर्टिकुलर गुड्स तो लेके अपने पास आ गए, कहाँ से, अपना फैक्ट्री से। तो लेकिन भाई आपके लिए तो मतलब नुकसान तो है, आपका नुकसान तो हो रहा है आपके फैक्ट्री का, आपने गुड्स लेके आ गया, तो इसका किधर किधर जाता है, इसका जनरल एंट्री पर देखो, ट्रेडिंग अकाउंट और परचेस अकाउंट, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं। देखो इसका दो रास्ता है, अगर आप ज़्यादा झंझट मारी नहीं करना चाहते हो, तो चुपचाप क्या करो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दो गुड्स टेकन बाय, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। अगर थोड़े एडवांस हो, नहीं हम भाई हम झंझट मारी करेंगे, हम झगड़ा करेंगे, तो एक काम करो, ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाओ, वहाँ पे आपको दिखेगा परचेस, परचेस में से लेस कर देना क्या गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, ओके। तो दोनों कर सकते हो, बट करना एक ही एग्जाम में, चाहे परचेस में से आप माइनस करके आओ, वरना चुपचाप एकदम सीधे बच्चे की तरह ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख के आ जाओ। सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, सेकेंड इफेक्ट भी देख लेते हैं, प्रोपराइटर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। भाई आपने वहाँ से लेके तो चले आ गए, आपको अगर लाइबिलिटी का फार्मूला याद हो तो क्या था, कैपिटल एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस नेट लॉस, याद है ना कल बताया था। इसमें क्या होता है, आपने वहाँ से गुड्स, आपने सपोज 5 पैकेट अपना बिस्किट अपने घर पे लेके आ गए, एक बिस्किट का एक पैकेट बिस्किट की कीमत 10 रुपया है, तो आपने 50 रुपये का तो खुद खा गए, आप 50 रुपये खुद खा गए, तो आपके लिए क्या है, तो आप क्या करोगे, उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे लेके जाओगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाके आप ड्राइंग में ऐड करके लिखोगे भाई कि बाय गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज 50 रुपया। तो इसका दो इफेक्ट कहाँ कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, नहीं तो परचेज में से आप करो लेस, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में ड्राइंग में ऐड होता है और कैपिटल में लेस होता है, खत्म। आगे देखते हैं 12th नंबर क्या है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैज फ्री सैंपल। आपकी कंपनी है पार्ले जी, अब भाई पार्ले जी इतनी बड़ी कंपनी है, तो उसका प्रचार होना भी तो जरूरी है, दिखेगा तभी तो बिकेगा। तो अब अभी आप जाओगे टीवी वाले के पास, हम लोग नहीं टीवी वाले के पास नहीं, वो अलग स्टोरी में होता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, घर घर घूम फ्री में पार्ले जी बिस्किट बांटोगे, बोलोगे आप भी खाओ अपने बच्चे को भी खिलाओ, तो पार्ले जी बिस्किट आपके बांट रहे हो, बट जो बांट रहे हो उसमें आपका पैसा लगा है भाई, आप ऐसे बिस्किट फ्री में नहीं बन गया, उसमें पैसा लगा है, तो आपके लिए नुकसान है ना, ये नुकसान है। तो देखो इसका दिया है सेकंड एंट्री का, देखो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हैज फ्री सैंपल अकाउंट। तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और पहला इफेक्ट कहाँ पे होता है, फिर वही ऑप्शन है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखो, नहीं तो परचेस में से लेस करो, आपकी मर्जी, बट मेरे हिसाब से चुपचाप ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में लिख के आ जाओ, ज़्यादा ज़्यादा उसमें झंझट नहीं करने का, ओके। पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो, वरना परचेस में से करो लेस। सेकेंड इफेक्ट जाता है किधर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अब थर्ड देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका जनरल एंट्री क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ओके। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी के 1,000 शेयर होल्डर, आपकी कंपनी का जो शेयर है 1,000 लोगों ने खरीद के रखा है, खरीद के रख लिया है,
तो अभी आप क्या करोगे भाई, उस शेयर खरीदे तो रुको, आप कुछ डिविडेंड नहीं दोगे? डिविडेंड जिसमें एसपी वाला होगा उसको एकदम अच्छे से पता होगा डिविडेंड क्या होता है। वैसे कॉमर्स में सबको पता होता है डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड मतलब वो कि जो आपको शेयर खरीदने के बाद जो आपको कुछ इनकम मिलती थी, हम डिविडेंड कहते हैं। 10%, 5%, 50% जो भी आपको कंपनी दे, तो आप क्या करोगे, आप उतना क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे, तो आपके लिए नुकसान है या मतलब आपके लिए घाटा है कि मतलब आपके लिए अच्छा है? भाई घाटा ही है, क्योंकि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप कैपिटल का इंटरेस्ट पे करोगे शेयर होल्डर हो, इसलिए इसकी पहली इफेक्ट कहाँ पे जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में जाके ऐड होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। खत्म कहानी। जब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये भी एक एडजस्टमेंट है। इसका क्या होता है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका एक इफेक्ट किस तरह से जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और एक इफेक्ट जाता है बैलेंस लिक्विडिटी में, ड्राइंग में जाके ऐड होता है। ऐड होता है नहीं, हाँ ड्राइंग में ऐड होता है, बट कैपिटल में लेस होता है, ये बात समझना। ओके, बट क्यों, देखो आप लोग समझो चार पार्टनर हो, आप लोग चार पार्टनर हो, ओके, हम तो आप क्या किए, अपने लिए 5 पैकेट बिस्किट अपने घर पे लेके चले गए भाई, हम अपना परिवार खिलाएंगे। तो बाकी के जो 3 पार्टनर हो वो देखेंगे, बोलेंगे जा 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 बेटा तू लेके जा, जब तू अगले दिन कंपनी में आएगा ना तो मैं बोलूँगा जो कल जो 50 रुपये का जो तुम बिस्किट लेके चले गए ना अपने घर पे, उसका हम पहले इंटरेस्ट पे करो। तो क्या बिजनेस के लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसके पास पैसा आ रहा है, आपके आपके पास आ रहा है उससे मतलब नहीं, बट बिजनेस में पैसा आ रहा है तो वो हम लोग का ऐड होता है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखेगा, और एक क्या दिखेगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, ड्राइंग में ऐड होता है, कैपिटल में लेस होता है। ओके, इसमें टोटल मैंने आपको 14 एडजस्टमेंट बताया है, और 14 एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसे याद रखना। 11th पॉइंट ऑफ व्यू 14 एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छा है, और इन्हीं में से आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आएंगे। अब कुछ देख लेते हैं हिडन एडजस्टमेंट, दो तीन हिडन एडजस्टमेंट होते हैं। चलो मैं अपने नोटबुक पे चलता हूँ, आपको हिडन एडजस्टमेंट बताता हूँ। हिडन एडजस्टमेंट आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, वरना इस विधि बता देता। 11th पॉइंट ऑफ व्यू आपको इतने एडजस्टमेंट अगर आते हैं तो आप 11th के अकाउंट के पास सारे रहोगे। हाँ 12th में जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ नए नए एडजस्टमेंट दिखेंगे, जैसे कैपिटल अकाउंट टीचर, तो सब जब हम 12th में जाएंगे तब देखेंगे। ओके चलो सॉल्व करते, सॉल्व क्या करेंगे देखते हैं। हिडन एडजस्टमेंट की हम लोग की बात हो रही, हिडन एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट की खासियत होती क्या कि आपका ट्रायल बैलेंस में आपको दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस में इसका इजरा रहता है। सपोज जैसे आपको फर्स्ट में समझाता हूँ, जैसे आपको दे दिया है रेंट पेड 11 मंथ, ऐसा आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, किधर ट्रायल बैलेंस में रेंट पेड 11 मंथ, तो आपके लिए क्या, आपका 1 साल होता है 12 महीने का, आपने 11 महीने का ही रेंट पे किया है, 1 महीने का भी नहीं किए हो, तो जो 1 महीने का आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, याद करो अभी मैं बताया आपको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किधर जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, और अपना प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड होता है रेंट के साथ। ओके सेकेंड ऐसे समझ लो, क्या 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 समझ ले भाई, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 ईयर्स, ऐसा आपको दिया है एडजस्टमेंट आपको ट्रायल बैलेंस में, तो ये भी आपका हिडन एडजस्टमेंट। क्यों, आपका जो अकाउंटिंग ईयर बनता है वो 1 साल का होता है, बट आपने उसको पहले ही 2 साल का पैसा पे कर दिया, तो क्या आपने 1 साल का पैसा एडवांस में पे कर दिया, तो क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस, तो क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट से आपका होता है लेस, और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी सॉरी असेट साइड में जाके दिखेगा, क्यों भाई, आपका प्रीपेड है आपके लिए असेट से। थर्ड आपको ऐसा दे देगा, देखो बहुत खतरनाक आता है क्या, बैंक लोन 10%, ऐसा दिया है बोलो, तो इधर क्या होता है ना, बैंक लोन जो है ना आपका वो लाइबिलिटी में जो 10% का आप उसका ब्याज भर रहे हो, ओके, तो आपके लिए नुकसान है, कैसे नुकसान समझो, अगर आपने बैंक से जाके 1 लाख रुपया लोन लिया तो क्या आपका लोन कम होने वाला है, नहीं, उल्टा बैंक आपको 1 साल बाद आपसे 10,000 रुपये ले लेगी, बोलेगी भाई जो तुम मेरा पैसा यूज़ किया है उसका मुझे तुम ब्याज दे दो, इंटरेस्ट दे दो, तो आपसे 10,000 रुपये तो लेके चली जाएगी अपने घर पे, तो आपके लिए नुकसान है। तो आप क्या करोगे, इसका पहला इफेक्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, सेकंड इफेक्ट होता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी
थर्ड में बैंक लोन में ऐड हो जाता है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ओके, फोर्थ में देख लेता हूँ जैसे इन्वेस्टमेंट। बस पांच ही छह प्रकार के एडजस्टमेंट आपको उधर देखने को मिलेंगे आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। इन्वेस्टमेंट 10%, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखो जो आपके लिए असर से पता है, बट आपको कंपनी ने क्या किया, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका आपको 10% आपको डिविडेंड देती है, आपको उसने कमीशन दिया, तो ये एक आ जाएगा पहला इफेक्ट जिसका होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, और सेकंड इफेक्ट होता है बैलेंस शीट के असेट साइड में जाकर ऐड होता है इन्वेस्टमेंट से। ओके, तो आपको ना ऐसा ऐसा ट्रायल बैलेंस में ही दिया, एडजस्टमेंट में नहीं रहेगा, जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहे उसी को हम लोग हिडन एडजस्टमेंट कहते हैं, और जो स्पेसिफाई अलग करके लिखा रहे तो उसी को हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं। यही आपको मेनली तीन चार टाइप के सवाल आते हैं एडजस्टमेंट की, इसमें ही आपको क्या करेगा ना वो नाम चेंज कर देगा, बट रहेगा यही सब। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको एडजस्टमेंट की सारी टॉपिक समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद।